चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चांदी बेटा ठीक से लिखो ना, बार बार इरेज कर रहे हो। सॉरी मामा। चलो अब शाबाश, ठीक से लिखो, मैं जरा अब किचन में काम कर रहा हूँ। पर मुझे होमवर्क कौन करवाएगा? यार मैं किचन में जरा खाना बनाने जा रही हूँ, तुम चांदी को होमवर्क करा दोगे प्लीज? जानू ये जो छोटी मोटी क्लास को होमवर्क कराना मेरा कैलिबर नहीं है। अरे खुदा के लिए यार, तुम कोई तो काम कर लो, चांदी को होमवर्क तक नहीं करा सकते? क्यों नहीं करवा सकता भाई, दो मिनट में करवा सकता हूँ। तो फिर करवाओ, मैं जरा किचन में जा रही हूँ। ओके जानू। चांदी तुम्हें शर्मानी चाहिए, इतनी बड़ी होकर अपना होमवर्क खुद नहीं कर सकती हो? क्या? खुद होमवर्क करो। पापा मुझसे गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा टीचर से डांट पड़ेगी, एग्जाम में फेल हो जाओगी, बस। पापा मुझे होमवर्क करवाएं। करवाता हूँ यार, तरह देखने तो दो। ओ इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत आसान है चांदी बेटा, ये तो तुम खुद ही कर लोगी। और उर्दू का दो, वो मैं कराता हूँ। आपको इतना आसान भी नहीं आता? अबे बेटा हमारे बचपन में इतना मुश्किल होमवर्क थोड़ा होता था, ये किताब तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। आप क्या कभी भी स्कूल नहीं गए? गया हूँ बेटा, टोबा टेक सिंह में तेरे बाप ने बहुत अच्छे नंबरों में मैट्रिक किया है। What? Yes, yes, इंग्लिश मीडियम पीले वाले स्कूल से। आपसे अच्छा तो मैं खुद कर लूंगी। मामा, क्या है बोली? वो मैं सोच रहा था कि पंजाब में जो तुम्हारे अब्बा की जमीनें हैं उस पे हम मिल के हल चला लेते हैं ना। अरे नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि उसे वहाँ बेच के यहाँ कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं। चुपे, खबरदार जो मेरे अब्बे की जमीनों पे आपने गंदी वो रखी हो। वो क्या? वही जो आपके चश्मे के नीचे है, नाक। हाँ खबरदार जो मेरे अब्बे की जमीन पे आपने अपनी गंदी नाक रखी हो। नजीर महमूद। हाँ महमूद की जमीनों पे बिशाक रख ली। ओए होए 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 होए, मेरा पुत्र, तेरा क्यों मुंह लमक रहा है? अरे फिर बीवी से झिड़के खा के आया होगा और क्या है? और नहीं यार महमूद साहब, नहीं तो फिर क्या बात है पुत्र, मुझे बता। ओ माँ जी यार, आपने मुझे किसी अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया? ले कैसी बात कर दी तूने, तुझे ना हमने अपने गांव के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाया था। क्या? हाँ, पूरे गांव में वाहिद स्कूल था जिसके अंदर लैटरीन था। हाँ लोग दूर दूर से आते थे तेरे स्कूल के लिए पढ़ने। और नहीं जी, लैटरीन यूज करने। अरे बस कर दो यार, कैसी फजूल बातें कर रही हो। इसीलिए मुझे आज अपनी चांदी बेटी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी है महमूद साहब। अरे हुआ क्या है भाई? ओ यार महमूद साहब, होना क्या है यार, मैं चांदी को होमवर्क तक नहीं करा सकता यार, इतनी मुश्किल इंग्लिश है उसकी यार। क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं आती नबील? भाई हद कर दी है तुमने, इसलिए तो मैं तुमसे अंग्रेजी में बात नहीं करता। इसलिए नहीं करते? क्योंकि मुझे भी नहीं आती ना। आई कम इंग्लिश वेरी मच, थैंक गॉड, नॉट परेशान हुईं। आई रीड इंग्लिश योर डॉटर टुडे से, आई टीचर योर डॉटर क्लास फेलो। लो भाई नबील, आज से तुम्हारी बेटी की अंग्रेजी का मसला तो हल हो गया, आज से मोमो उसे ट्यूशन पढ़ाएगी। माँ जी आप क्या कर रही है? मैं तेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चू। आपने खुद तो कभी स्कूल की शक्ल देखी नहीं, आप क्या ट्यूशन पढ़ाएंगी इसको? चुप है, एक तो मैं तेरी बेटी को मुफ्त ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ऊपर से तू नखरे दिखा रही है, जा नहीं पढ़ाती। Get out in my class. मैंने तुम्हें कहा था कि चांदी को होमवर्क कराओ और तुम यहाँ बैठ के ताश खेल रहे हो। ओ जानू माँ जी, इतना अच्छा पढ़ा रही थी यार, तुमने खाम खाम मेरी बेटी को ना एक अच्छी टीचर से महरूम कर दिया। शट अप नबील, मैं अपनी बच्ची को खुद पढ़ा लूंगी, ऐसी ट्यूशन से तो बेहतर है कि बच्चा ट्यूशन ही ना पढ़े। इस अकीला ने मेरी बड़ी बिस्ती खराब की है, मैं इस ट्यूशन पढ़ा कर दिखाऊंगी बच्चू। हाँ यार, आजकल तो हर गली मोहल्ले में ट्यूशन सेंटर खुले हुए हैं, तो तुम क्यों नहीं पढ़ा सकती भाई? वैसे मैं मोसा आइडिया बुरा नहीं है। कौन सा आइडिया? ट्यूशन सेंटर खोलने का है। हाँ हाँ, बड़ी कमाई है यार, क्यों ना मिलकर ट्यूशन सेंटर खोल ले। हुशी चीज मरे जी, मिलके दुआ करें। चलो आओ ना, पता चुके
अरे नबील, हमारे पास इस मोहल्ले से कौन अपने बच्चे पढ़ने के लिए भेजेगा? इनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। ओ यार महबूब साहब, हम बच्चों को थोड़ा ट्यूशन पढ़ाएंगे, हमने बड़ों को पढ़ाना है। बड़ों को? हाँ हाँ, तालीम बालगा ट्यूशन सेंटर। ना उन्हें बालगान वाली तालीम कौन देगा वे? ओ माँ जी, इस मोहल्ले में बहुत अमीर लोग रहते हैं और अमीर लोग ये चाहते हैं कि उनके ड्राइवर, उनकी मेड, उनकी मासियां पढ़े लिखे हो, इंग्लिश बोल लें, उनसे बातचीत करें। हम लोग उनको पढ़ाएंगे। हाँ हाँ नबील, अरे इसके लिए तो हमें ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, क्यों मोमो? यस यस, आई एम रीडिंग ड्राइवर्स एंड मासीज। नमाज साहब, मैंने शाम के सारे अखबारों में ना ट्यूशन सेंटर का इश्तिहार दे दिया। वेरी गुड पुत्र, अब तू ऐसा करना कि इराक और अफगानिस्तान के अखबार में भी दे दे। अरे नबील, तुमने ये शाम के अखबारों में इश्तिहार क्यों दे दिया? हम ट्यूशन सेंटर को शाम में थोड़ा खोल रहे हैं। ओ महमूद साहब, शाम का मतलब इवनिंग। ओहो, इवनिंग सनसेट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। नबील, मैंने भी ना मोहल्ले के सारे खंभों और दीवारों पे ना ट्यूशन सेंटर के पंपलेट जो है ना वो चिपका दिए हैं। वेरी गुड महमूद साहब, अब आप देखिएगा हम कितनी जल्दी अमीर होते हैं। वो जो हम कितनी जल्दी होंगे वो अमीर होंगे। हाजी नबील। ओ क्या यार, इधर आना जरा। ओ आ रहा हूं यार। इसकी लिखी ऐसे हुई है, क्या इस मोहल्ले के गरीब मासियों और ड्राइवरों को अंग्रेजी सिखाना जुर्म है? फजूल बातें मत करो नबील, क्यों मोहल्ले भर में मजाक उड़ाना चाहते हो यार हमारा? ओ जानू, मैं तुमसे या तुम्हारे पापा से पैसे तो नहीं मांग रहा ना, जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बलबूते पे कर रहा हूँ भाई। खबरदार जानू, जो तुमने मेरे बिजनेस में दीवार बन के खड़े होने की कोशिश की तो। नबील, कोई नहीं आएगा तुम लोगों से ट्यूशन लेने। अरे तुम्हारी सोच है जानू, इस घर के बाहर स्टूडेंट्स की लाइन लगी होगी। लाइन तो जरूर लगी होगी नबील, लेकिन तुम्हें मारने वालों की। जानू तुम देखना, हमने ऐसी प्रमोशन की है कि महीने के में 60-70 स्टूडेंट तो मिल जाएंगे। प्रमोशन? हाँ जी। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो टेस्टिंग, खुशखबरी, बुलबुले की खुशखबरी। ओ महले वालों, जाहिल बुढ़े बुढ़ियों, अपना बचपन खेल में गंवाने वालों, बगैर तो तुम्हारे लिए है खुशखबरी। बुलबुले वाले ला रहे हैं गरीबों के लिए ट्यूशन की सहूलत, कम रेट तो आला तलीम, खुशगवार माहौल में फुल इंग्लिश मीडियम, कम फास्ट 3 मंथ इंग्लिश कम, अमेरिकन वीजा कम, इंग्लैंड वीजा कम, योर पासपोर्ट कम, हैप्पी एंडिंग, खुशखबरी। दूर दुनिया को मेरे दम से हंदे। यार नबील, अरे अभी तक कोई एडमिशन के लिए आया ही नहीं यार। हाँ मामू साहब, हालांकि हमने इतनी मार्केटिंग की है यार। मुझे लगता है हमारे काम को ना इसकी बीवी की वो लग गई है। वो क्या माँ जी? वो जो इनकी खराब है शक्ल। अरे मेरी शक्ल नहीं, तुम्हारी नजर खराब है नबील। हाँ नबील, नहीं नहीं नजर, हमारे काम को ना तेरी बीवी की नजर लग गई है पुत्र। ओ माँ जी, उससे कुछ नहीं होता, थोड़ा सब्र करे, कोई ना कोई शिकार आता होगा। आ गया आ गया आ गया आ गया। आपको भी इसी टाइम आना था है? अरे भाई मैं तो कब का यहाँ बैठा हूँ, दरवाजे पे कोई आ गया है। खुशी खुशी, अब मैं जाके देखता हूँ। महमूद साहब, माँ जी, आप लोग तैयारी पकड़ लें। शाबाश शाबाश, चलो देखो मोमो, ये देखो मैं टीचर लग रहा हूँ ना? नहीं जी, आप टीचर लग रहे हैं। हेलो हेलो, वेलकम टू बुलबुले ट्यूशन सेंटर। यस यस, आई एम फाइन। यू वांट एडमिशन हियर? भाईजान,
मुझे इससे ज्यादा नहीं आती। थैंक गॉड मुझे भी नहीं आती, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, एक महीने बाद आप फर फर अंग्रेजी बोलेंगे। आपके पास ऐसी कौन सी दवाई है? नहीं नहीं, हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास माई है। मेरा मतलब टीचर, इंग्लिश की टीचर। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आइए आइए आइए, प्लीज आइए आइए। अरे मोमो, तुम इंग्लिश की टीचर हो, ड्राइंग की नहीं। आइए 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 आइए, इनसे मिलिए। ये इंग्लैंड से तालीम याफ्ता, अमेरिका से डिग्री याफ्ता, हवास भागता मिस मोमो जोली। माँ जी, मैं आपका तारुफ करा रहा था। ये आपसे इंग्लिश सीखने आए हैं मिस्टर इनायत। मिस्टर इनायत आपके स्टूडेंट हैं, आपसे इंग्लिश सीखेंगे। यस, आई एम स्पीचिंग गुड इंग्लिश टू द होल वर्ल्ड इज गोल एंड था। देखा कैसी फर फर इंग्लिश बोलती है। फर 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 फर। मुझे इन्हीं से इंग्लिश सीखनी है, ये मेरी हम उम्र भी है और क्विड भी है। ये कौन? ये हिस्ट्री के टीचर है। जबी शक्ल से इतने पुराने लग रहे हैं। इसीलिए ठीक है, फिर मैं कल आता हूँ। लेकिन सुनिए, हम लोग 6 महीने की फीस इकट्ठी लेते हैं 20,000 रुपए। 20,000? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। What if you not English? You are going English man, England speaking, singing English. ये क्या बोल रही हैं? ये कह रही हैं, अबे तुझे 20,000 में गोरा बना रहे हैं, तब भी तुझे ज्यादा लग रहे हैं। मैं गोरा भी हो जाऊंगा? हाँ, अफ्रीकन गोरा। नहीं, हल्का सा गोरा। तो भी ठीक है, मैं कल आता हूँ एडवांस लेके। ठीक है, ये चीज मेरे से। चले, ओके, ओके। जानू, मुबारक हो, हमारे ट्यूशन सेंटर में पहला स्टूडेंट आ गया। पहला और आखिरी। जानू वैसे मैंने एक बात नोट की है, मैं जब भी कोई काम करता हूँ ना, तुम खुश नहीं होती हो। नबील ये काम नहीं है, ये लोगों के साथ चीटिंग है। चीटिंग कैसी जानू, हम तो लोगों को तालीम दे रहे हैं भाई। जिन लोगों ने खुद कोई तालीम हासिल ना की हो, दूसरों को क्या तालीम देंगे नबील। जानू हमारा पूरा मुल्क तो इसी पे चल रहा है। नबील प्लीज यार, ये काम छोड़ दो। क्या मतलब छोड़ दो? मैं जब भी कोई काम करता हूँ तुम यही कहती हो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, लंबी लंबी छोड़ दो। जानू कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे सामने बैठा रहूं और कोई काम ना करूं? Shut up, नबील। ओके जानू। हेलो। अरे तू इस वक्त कहाँ आ गया है छप्पड़ गुल्ले? इंग्लिश सीखने। हे हाँ, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई मिस के बारे में सोच सोच के। मिस कहाँ है? अरे कौन सी मिस भाई? जो मुझे इंग्लिश पढ़ाएंगी वो मिस। अरे वो मिस नहीं, मिसेज हैं, वो भी मेरी। आपकी तो सिर्फ मिसेज है ना, मेरी तो वो मिस है। अरे नहीं, वही 50 साल पुराना। हेलो हेलो, आप एडवांस लाए? हाँ लाया, ये ले। लाइए लाइए, ये ले पूरे 20,000 रुपए। थैंक यू। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं आपको अभी आपकी टीचर से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी मिलवाइए, मुझे बड़ी जोर से इंग्लिश आ रही है। वो जो आपको बड़ी जोर की आ रही है वो इंग्लिश है? हाँ जी। आपने इंग्लिश के बाद हाँ जरूर दोने। आइए 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 आइए। माँ जी। हाँ जी, चलो जी आइए। In the morning, English come slow, slow. Because sleep come. You come in the class yesterday afternoon. आपके मुंह से इंग्लिश कितनी प्यारी लगती है मिस। थैंक यू। मिस, मैं आपको एक इंग्लिश में गाना सुनाऊं? Listen. Yes. मिस ये स्टार्ट है। Everything is... अरे और नबील, अरे ये तो तुम्हारी माँ को इंग्लिश के गाने सुना रहा है। माँ जी को कौन सा समझ आ रहा है यार, मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही घटिया आदमी है, निकालो इसे बाहर। कैसे निकालो? एडवांस ले लिया है मैंने। अरे एडवांस आधा घंटा पहले तो लिया, तुमने कौन सा खर्च कर लिया होगा? मैं साहब मैंने खर्च करने की प्लानिंग तो कर लिया ना यार। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बंद करो ये सब यार। कैसे बंद कर दूं जानू, हमारे ट्यूशन सेंटर का टाइम 9 बजे तक है। क्यों मामूसा? तुम मेरे साथ आओ, जरा जरूरी बात करें। मामूसा आप जरा यही रहे, ख्याल रखिएगा, हो सकता है कोई नया स्टूडेंट आ जाए। ये मुझे किस काम पे लगा गया है? अभी ये क्या है, पूरे घर का माहौल खराब हो रहा है। बंद करो ये ट्यूशन सेंटर अपना।
जानू मैं ये ट्यूशन सेंटर बंद नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी की आला तालीम के लिए इससे पैसे बनाऊंगा। नबील मैंने चांदी की स्कूल की फीस और ट्यूशन के लिए पापा से पैसे मंगवा लिए थे, मेरे पास रखे हैं। क्या? हाँ। खूबसूरत तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तो ये ट्यूशन सेंटर बिल्कुल बंद नहीं होगा। ठीक है मैं चांदी को लेके अपने दोस्त के घर जा रही हूँ और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक तुम ये ट्यूशन सेंटर का सिलसिला बंद नहीं कर देते। ओके जानू बाय। व्हाट? जी आप कौन? जी वो मैं ट्यूशन पढ़ने आई हूँ और वो भी अंग्रेजी में। बिल्कुल ठीक जगह पे आई है। हाँ असल में ना मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, इस वजह से मैं पढ़ नहीं सकी। बिल्कुल मेरे वाली स्टोरी है आपकी। अब खैर से ना मेरे मियाँ मर गए तो अब मैं पढ़ूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। अंदर आए ना? वो तो मैं आ ही जाऊंगी, लेकिन सुना है आप लोगों की फीस 20,000 रुपए है, इतने तो मैं नहीं दे सकती। अरे फिक्र मत करे, जिन औरतों के मिये मर चुके होते हैं ना उनके लिए हमारे पास खास डिस्काउंट है, सिर्फ 10,000 रुपए। हाँ वो ठीक है। कौन आया महमूद साहब? नबील ये मेरी स्टूडेंट आई है, इन्हें मैं पढ़ाऊंगा। और अगर आपके और माँ जी के ही सारे स्टूडेंट आएंगे यार तो मैं किसे पढ़ाऊंगा फैजी सुन को? अरे तुम्हें किसी को पढ़ाने की क्या जरूरत है नबील, तुम आराम से आराम करो, मैं हूँ ना मेहनत करने के लिए। फीस का आपको पता तो चल ही गया होगा। जी जी इन्होंने खास डिस्काउंट दिया है, सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? नबील बेचारी गरीब लड़की है। लड़की? अच्छा मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर आती हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। नबील मैं जरा मुँह हाथ धो लूँ। ओ महमूद साहब कुछ फर्क नहीं पड़ना मुँह धोने से यार, 2 टैंकर जाया करेंगे आप अपने मुँह पर। जानू तुम ठीक कह रही थी, लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं, हमारे बुजुर्ग बिगड़ रहे हैं यार। नबील जरा टैंकर वाले को फोन तो कर दो। बस कर दे यार, कितना मुंह धोएंगे आप। One way ticket, अरे ओहो, one way ticket। माँ जी, ये क्या चोर बन चल रहा है? चुप्पे। माँ जी, मैं महमूद साहब को जाके ना आपकी शिकायत लगाता हूँ। One way ticket। पर दिल का दाना है, खेलो जी भर के लेकिन पल पड़े आना है। तख्ती पर दिल का दाना है, खेलो जी भर के लेकिन पल पड़े आना है। तख्ती पर तख्ती। ये क्या कर रहे हैं आप? ये औरत यहाँ ट्यूशन पढ़ने आई थी, आपने किन कामों पे लगा दिया इस गरीब बेचारी को? नबील पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें एक दूसरे को जानना और आपस में फ्रैंक होना बहुत जरूरी है। बंद करें ये नाच गाना महमूद साहब, मैं इस ट्यूशन सेंटर के लिए अपनी बीवी से लड़ा और आप लोग यहाँ नाच गाना कर रहे हैं। माँ जी इधर आइए। माँ जी क्या हुआ है पुत्र? माँ जी इधर आइए, ये देखें यहाँ क्या कर रहे हैं, अपनी स्टूडेंट के साथ नाच गाना कर रहा है। आश बीक तेरी ये हिम्मत दफा। अरे तुम भी तो इस आदमी के साथ डांस कर रही थी अंदर। ओए तमीर मेरी मिस से। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी है। अरे अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं, छोड़े एक दूसरे को। अरे मैं नहीं छोड़ सकता। अरे अरे गुस्सा ठंडा कर दे टीचर जी। गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। अच्छा आप लोग एक काम करें, अंदर जाके आराम से बैठें, मैं सब लोगों के लिए ठंडा ठंडा जूस बना के लाती हूँ। आप जो हम सब के लिए बना के लाएंगी वो ठंडा ठंडा जूस होगा? हाँ जी। अच्छा जी जाए जी। यार आप लोग तो आपस में लड़ने शुरू हो गए हैं यार, दोबारा शुरू करें। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी बले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा।
महमूद साहब, नबील उठे यार, उठो। जानू जानू तुम आ गई हो यार, मेरी स्टूडेंट कहाँ है? अरे भाड़ में गए स्टूडेंट्स यार, इस घर में चोरी हो गई है। क्या? हाँ, पापा ने जो पैसे भेजे थे चोर वो भी ले गए। इसका मतलब है हमारे स्टूडेंट चोर थे? चोर के बच्चे। सुनेगी हम फिर से लुट गए क्या? तकरीबन।